नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मनी प्लांट गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को जो मैं बताने वाली हूँ वो है सेम के बारे में, कि जो आप सेम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड पे लगा हुआ है, तो अच्छे से दूर तक फैला हुआ है और अच्छे से इसमें फलियाँ आ रही हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी ढेर सारी फलियाँ आ रही हैं, साथ में अभी फूल भी खिल रहे हैं, तो फूल के साथ में फलियाँ दोनों आ रही हैं। जैसे जैसे फूल आते रहे उसे इसमें कलियाँ भी आती जा रही हैं, आप देख सकते हो। तो जितनी भी बेल होती फ्रेंड्स, तो बेल फ्रेंड ये दूर तक फैलती है, इनको जहाँ जगह मिलती है फैलती चली जाती है। अगर सपोर्ट दे देंगे रस्सी या डंडे से तो वहाँ तक ये पहुँच जाएंगी। तो बेल होने की वजह से ये फ्रेंड घनी हो जाती हैं, जहाँ जगह जगह से इसमें शाखाएँ निकलती रहती हैं, तो वहाँ जहाँ पर इनको जगह मिलती है वहाँ पर फैल जाती हैं और इस तरीके से उसमें फलियाँ आती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल इसमें इस तरीके से फलियाँ आ रही हैं और फ्रेंड्स जब इसमें फूल अच्छे से आएंगे तभी इसमें फल लगेंगे। तो क्या होता है अक्सर कि जब इसमें फूल आने लगते हैं तो कीड़ों का अटैक हो जाता है, मिलीबग्स का और चींटियों का। तो इसके लिए पेस्टिसाइड्स का, जो आप घर पर भी बना सकते हो या फिर आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं जिससे वो कीड़े ख़त्म हो जाए। नहीं तो फूलों में अगर कीड़े लगे रहते हैं तो फिर इसमें फलियाँ नहीं आती हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती हैं। तो समय समय से पेस्टिसाइड का यूज़ करते रहें। तो इनके पत्तियाँ देखिए इस तरीके से होती हैं, येलो और ग्रीन करके। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें इस तरीके से फलियाँ आ रही हैं और अभी फूल भी आ रहे हैं, तो जगह जगह इस तरीके से फलियाँ लगी हुई हैं। बहुत फ्रेंड्स की सब्ज़ी भी बनती है, सब्ज़ी इसकी बहुत टेस्टी होती है। इस वाली सेम की दोनों लगी हुई है, लाल वाली भी है, जो ग्रीन वाली होती है वो भी, दोनों छोटी वो साइज़ वाली लगी हुई हैं। तो इसको फ्रेंड्स अभी से ही ग्रो किया गया था, इसकी सीडलिंग बरसात में की गई थी और फ्रेंड्स सीड से ही ग्रो किया जाता है। तो सीडलिंग की मैं बात करूँ तो अगस्त या सितंबर में इसकी सीडलिंग की जाती है, तभी आपको सर्दियों में अच्छे से इनकी जो फलियाँ होती हैं मिल जाती हैं। और फूल इसके फ्रेंड्स इसी तरीके से पिंक कलर, पर्पल कलर के होते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स ग्राउंड पे लगने की वजह से फ्रेंड बहुत ही हेल्दी हैं और बहुत ही अच्छे से चल भी रही हैं। इनकी जो मेन ब्रांच है और जो मेन बेल है बहुत ही मोटी है, आप देख सकते हैं कितनी दूर तक ये फैली हुई हैं। तो इसी में दो तरह की सेम लगी हुई है, एक ग्रीन कलर का एक रेड कलर का, दोनों तरीके की सेम लगाई गई हुई है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे रस्सियों से सपोर्ट दिया गया है, कुछ मोटे डंडों से सपोर्ट दिया गया है ताकि जो हमारी सेम है अच्छे से चढ़ सके, क्योंकि अगर ज़मीन पे फ्रेंड्स रहती हैं तो थोड़ा सा कीड़ों का भी डर रहता है कि आ जाते हैं। तो इसी वजह से अगर ऊपर चढ़ती हैं सेम तो सही रहता है। और देखिए ऊँचाई तक सेम लगी हुई है, जहाँ तक देखिए यहाँ पर देखने में खूबसूरत भी लगते हैं फ्रेंड्स ये। और इनकी सब्ज़ियाँ तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और घर पर अगर उगाने की बात करूँ तो ऑर्गेनिक भी होता है, हम लोगों को घर पर सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं अच्छी ताज़ी। तो अगर घर पे लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा लीजिए, इसको बीज से ही उगाया जाता है। फ्रेंड्स लगाने की मैं बात करूँ तो आप अगर आपके यहाँ पे ग्राउंड है तो ग्राउंड पे लगा सकते हैं, या फिर आप गमले में भी लगा सकते हैं, गमले में भी अच्छे से लग जाता है। तो गमले में लगाने की मैं बात करूँ तो गमला आपका 12 इंच का, मतलब बड़ा ही होना चाहिए, 12-14 इंच का गमला होना चाहिए। मिट्टी आपकी वेल्डे नहीं होनी चाहिए, आप नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट होगी, इन सब चीज़ों को मिला के अगर आप मिट्टी बनाते हो तो ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और फ्रेंड्स जब इसमें बेल निकलने लगे किसी चीज़ का सपोर्ट दे दें, किसी डंडे का या रस्सी का, तो आपकी बेलें सपोर्ट पाते ही ऊपर ये चढ़ने लगती हैं और जल्दी से ग्रो करने लगती हैं। और फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की मैं बात करूँ तो घर का बना हुआ देंगे तो बहुत जल्दी से ये ग्रो करते हैं, क्योंकि मैं हम लोग जो होते हैं घर का ही यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या है, इतनी अच्छे से इसमें फलियाँ आ रही हैं। और फ्रेंड्स अगर इसमें आप लंबे समय तक फलियाँ चाहते हैं तो जैसे निकलती हैं इसमें सेम की फलियाँ, इनको तोड़ते जाइए, तो क्या होगा नई जगह से नए फूल आएंगे और नई ब्रांच निकलेंगी, तब आपको सेम मिलती जाएगी। क्योंकि अगर इसमें सीड पकना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स तो नई फलियाँ आना बंद हो जाती हैं।
तो आप जैसे इसमें फलियां आते जाएं तोड़ते जाएं, और आप चाहें तो घर में यूज कर सकते हैं या फिर अपने आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि जो घर का होता है लोगों को बहुत पसंद होता है और अच्छा लगता है, टेस्टी भी लगता है। घर का मार्केट का भी अच्छा होता है बट इतना टेस्टी नहीं होता, क्योंकि जो हम लोग घरों में उगाते हैं उसका टेस्ट अलग ही होता है। और देखिए ये जो वाइट वाली सेम है, वाइट फूल है इसके और उसका थोड़ा सा पर्पल है, तो ये भी सेम, दोनों सेम थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाया गया है क्योंकि फ्रेंड जगह है तो वहाँ पे लगा दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों को मार्केट वाली थोड़ा सा कम अच्छी लगती है, ग्राउंड है तो वहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके ताज़ी सब्जियाँ जब भी खाना हो तोड़ के बना लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसकी भी साइज़ उतनी है, 2 या 3 इंच की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं उनकी फलियाँ, इस तरीके से छोटी होती हैं, छोटी वाली हैं। तो फ्रेंड्स आप गमले में लगा दीजिएगा, गमले में आराम से लग जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी वाली सेम जो होती है फ्रेंड्स दूसरी होती है, सर्दी वाली दूसरी होती है, तो बीज आप देख कर ही लगाइएगा, नहीं तो आपकी सेम क्या होगी, लग तो जाएगी बट उसमें फलियां नहीं आएंगी। तो वो लोगों की ये भी शिकायत होती है कि मैंने सेम का पेड़ लगाया उसमें फलियां नहीं आ रही, आप फूल नहीं आ रहे हैं। तो मेन रीज़न ये होता है कि सर्दियों वाली गर्मियों वाली अलग अलग सीड्स होते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स मेन चीज़ मैं धूप की बात करूँ तो आप जब भी सेम लगाएं तो उनको धूप में उनको धूप पूरी चाहिए होती है, इसी जगह पर लगाएं जहाँ पर धूप आती हो, क्योंकि अगर छांव में लगाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी ये ग्रो नहीं करेंगी, ग्रो कर जाएंगी लेकिन पत्तियाँ ही पत्तियाँ रहेंगी, फलियाँ और फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इनको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर प्रॉपर धूप मिल सके। और फ्रेंड्स इनको छांव में बिल्कुल भी नहीं लगाना, अगर छांव में लगाते हैं तो पत्तियां ही इस पत्तियां आपको मिलेंगी, फूल और फलियां बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। तो आप जब भी सेम लगाते हैं तो उनको ऐसी जगह पे लगाएं जहां उनको प्रॉपर धूप मिल सके, तभी आपको सेम की फलियाँ मिल सकेंगी। और फ्रेंड्स अगर बीज आपको कलेक्ट करने हैं तो जब ये सेम आपकी सूख जाए, जो फलियां होती हैं थोड़ी सी सूखने लगें, तभी आप इनको तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे इनके बीज पकने लगते हैं। तो आप इनको रख सकते हैं ड्राई कर कर अच्छे से किसी पॉलीबैग में, एयरटाइट पॉलीबैग या डिब्बा है, तो आप नेक्स्ट ईयर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जब इसमें फलियां आने लगें तो समय समय से इनको फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहें, क्योंकि इनको उस टाइम पे फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है, तो फर्टिलाइज़र भी देते रहें ताकि आपके जो सेम के पौधे हैं उसमें अच्छे से फलियां आ सकें और फूल आ सकें। और मेन चीज़ फ्रेंड्स फूल ही होता है, जब इसमें फूल आएंगे रुकेंगे तभी आप में आपको सेम की फलियां मिल सकेंगी। तो पानी और फर्टिलाइज़र का विशेष ध्यान रखिएगा, ना तो ज़्यादा पानी दीजिएगा ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र दीजिएगा, नहीं तो क्या होता है आपकी जो फूल होते हैं गिरने लगते हैं और उसमें फलियां नहीं लगती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आपकी जो सेम की फलियाँ हैं अच्छे से आएंगी और आपका जो प्लांट होगा सेम का अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा, आपको अच्छे से घर पर ऑर्गेनिक सब्जियां मिल सकेंगी जो आप लगाए रहते हैं आपके मनपसंद की। तो फ्रेंड आज के लिए मेरी वीडियो सेम पौधे के ऊपर, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे लाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। सो मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो, नए प्लांट्स, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।